वेलकम टू रेड फाइव कोचिंग। आज वर्क का हम तीसरा पार्ट वाला वीडियो दे रहे हैं। इससे पहले जो वर्क के टाइप्स पढ़ लिए थे, हेल्पिंग वर्क और यानी कि मेन वर्क, ये कंप्लीट किए थे। उसके बाद ट्रांजिटिव वर्क और इंट्रांजिटिव वर्क के भी पार्ट कंप्लीट किए थे। आज वर्क का लास्ट वाला क्लास है। लास्ट क्लास में वीडियो में हम फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर वर्क में आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो कॉमेंट के जरिए या फिर किसी आप हमसे क्वेश्चन पूछ के यानी कि हेल्प ले सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि आप वर्क का जो मेरा ये तीसरा पार्ट में है, इसे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्क पर डिस्कस करेंगे। फाइनाइट वर्क सेंटेंस में आपके जो सेंटेंस जितने लिखे हैं फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्क में, कहते हैं आपके पास जो सेंटेंस आते हैं लिखे हुए, उसमें दो तरह के वर्ब यूज किए जाते हैं। एक होता है फाइनाइट वर्ब और दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब। अब देखिए, सेंटेंस कोई भी रहेगा उसमें तो वर्ब रहेंगे, उसमें वर्ब जिस सेंटेंस से पहचानेंगे कौन से फाइनाइट वर्ब है कौन से नॉन फाइनाइट वर्ब है ये पहचानेंगे। सबसे पहले देखेंगे डिफाइन किया हुआ डेफिनेशन। इफ देयर इज ओनली वन वर्ब इन ए सिंपल सेंटेंस, अगर किसी सिंपल सेंटेंस में केवल एक वर्ब नजर आ रहा है, वर्ब तो पहचान रहे हैं सब, शुरू से क्लास दिए तो वर्ब सब आसानी से पहचान रहे, अगर कोई वर्ब एक वर्ब नजर आ रहा है तो मेरा क्या होगा, वो फाइनाइट वर्ब होगा। मैंने लिख भी दिया है इंग्लिश में डेफिनेशन, आप आसानी से नोट कर सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं। इफ देयर इज ओनली वन वर्ब इन ए सिंपल सेंटेंस और इट विल बी फाइनाइट वर्ब, वो क्या होंगे मेरा फाइनाइट वर्ब। जैसे कि एग्जांपल दिए हैं, द टीचर टीचेज स्टूडेंट, इसमें टीचर मेरा यहां पर सब्जेक्ट है, नाउन के रूप में टीचेज, ये क्या मेरा यहां वर्ब है, तो वर्ब है तो कौन सा वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है ये, क्योंकि सिंपल क्या है, एक ही वर्ब आया टीचेज आया, उसके बाद स्टूडेंट मेरा नाउन है। एक वर्ब मेरा किसी सिंपल सेंटेंस में आया तो वो मेरा क्या होगा, फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। अगला एग्जांपल लिए, द टीचर टॉट स्टूडेंट्स, यहां क्या टॉट V2 के फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे क्या ये एक वर्ब यूज किया गया है, ये मेरा फाइनाइट वर्ब होंगे। इसी के जस्ट अपोजिट है, आप देखना नॉन फाइनाइट वर्ब की तरफ। देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब इफ देयर इज मोर देन वन, एक से अधिक है, मोर देन द फर्स्ट वर्ब विल बी फाइनाइट। किसी सेंटेंस में अगर एक से ज्यादा वर्ब हो तो फर्स्ट वर्ब मेरा क्या होंगे, फाइनाइट वर्ब, एंड द अदर नॉन फाइनाइट, और दूसरा जो जितने उसके बाद से होंगे तो अदर्स, वो क्या होंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब होंगे मेरा। यानी कि किसी भी सेंटेंस में एक से अधिक वर्ब रहेंगे, मेरा पहला वर्ब क्या होगा, फाइनाइट वर्ब होगा, उसके बाद वाले जितने वर्ब होंगे वो नॉन फाइनाइट वर्ब होंगे। अब यहां समझते हैं, देखिए एग्जांपल, द टीचर इज टीचिंग स्टूडेंट्स, इसमें मेरा इज एक वर्ब है, एक टीचिंग वर्ब है, लिखा हुआ एग्जांपल में दिए हुए, इज मेरा क्या हो जाएगा, फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। हम भी बोले थे कि यहाँ पर द फर्स्ट विल बी फाइनाइट, यानी कि फर्स्ट वर्ब मेरा क्या इज है, ये फाइनाइट वर्ब हो गया। अब टीचिंग मेरा क्या हो जाएगा, नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। ये शॉर्ट में लिख रहे हैं एन एफ डॉट टी, यानी एफ भी फाइनाइट वर्ब, एन एफ भी नॉन फाइनाइट वर्ब, ये शॉर्ट में नीचे लिख रहे हैं। उसके बाद अगला एग्जाम्पल दिए, द टीचर लाइक्स टू टीच स्टूडेंट्स, टीचर पसंद करते हैं स्टूडेंट को पढ़ाना पसंद करते हैं, या टीचर, इसमें लाइक्स एक वर्ब है मेरा, यहाँ टू टीचर यहाँ भी वर्ब है। इसमें देखिए फर्स्ट वर्ब मेरा क्या हो जाएगा, फाइनाइट, क्योंकि हमने पहले भी बोला था यहाँ पर डिफाइन करते हुए नॉन फाइनाइट में कि मेरा फर्स्ट वर्ब क्या होंगे, फाइनाइट होंगे वर्ब होंगे, और दूसरा क्या होगा, उसके बाद वाला जितने वर्ब होंगे, एक दो तीन जितने वर्ब होंगे वो नॉन फाइनाइट वर्ब होंगे, या टू टीच यानी दूसरा वर्ब है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएंगे। अब आते हैं कि लास्ट, डज द टीचर टीच स्टूडेंट, एक मेरा डज यहाँ वर्ब है और एक यहाँ टीच वर्ब है, डज मेरा क्या होगा, फाइनाइट वर्ब हो जाएगा और टीच हो जाएगा नॉन फाइनाइट वर्ब। अब किसी सेंटेंस में आपको तीन वर्ब भी दिखेंगे, जैसे कि अगला एग्जांपल जो लिए हैं, द टीचर इज गोइंग टू टीच स्टूडेंट्स, इसमें एक मेरा वर्ब इज है, दूसरा गोइंग है, तीसरा टू टीच है स्टूडेंट्स, यानी तीन वर्ब है इसमें। अब इसमें देखिए, हमने बोला था कि एक से अधिक वर्ब रहेंगे, फर्स्ट वर्ब क्या है मेरा, फाइनाइट वर्ब यूज किया, इज मेरा क्या हो जाएगा, ये फाइनाइट वर्ब हो गया। उसके बाद गोइंग यानी जितने वर्ब होंगे ये नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएंगे, टू टीच ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएंगे। जो मैंने फिर से बताया था, रिकॉल कर रहे हैं, फाइनाइट वर्ब यानी किसी सिंपल सेंटेंस में एक वर्ब रहेंगे फाइनाइट वर्ब होंगे, अगर एक से अधिक वर्ब रहेंगे उसमें पहला वर्ब फाइनाइट वर्ब, उसके बाद वाला वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब। इसके बाद फाइनाइट और वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब से कुछ रिलेटेड नोट्स हैं जो मैं इसके बाद मैं बता रहता हूँ, इससे क्या चेंजिंग होता है, चेंजिंग नोट्स हैं,
इसके बाद हमें उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि नोट में जो मैंने फाइनाइट वर्ड और नॉन फाइनाइट वर्ड पढ़ाने के बाद अब नोट में मैंने कुछ लिखा है वर्ड कि फाइनाइट वर्ब चेंज अकॉर्डिंग टू द पर्सन एंड नंबर ऑफ द सब्जेक्ट बट नॉन फाइनाइट वर्ब्स डू नॉट हैव ए सब्जेक्ट, उसके पास सब्जेक्ट नहीं होते और दे रिमेन द सेम, वो सेम रहते हैं। मतलब कि फाइनाइट वर्ब जो है ना वो सब्जेक्ट और नंबर के थ्रू अपना क्या है वर्ब, यानी कि वो पर्सन के थ्रू वो जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो अपना अकॉर्डिंग टू लेते हैं चेंज करते रहते हैं। एक ये जो फाइनाइट वर्ब है चेंज है अकॉर्डिंग टू पर्सन और नंबर के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं फाइनाइट वर्ब, और नॉन फाइनाइट वर्ब सेम रहते हैं। मैं एग्जांपल के जरिए आपको समझा रहा हूं कि जैसे कि एग्जांपल लिए आई एम वॉकिंग स्लोली, सेम लिखिए सब्जेक्ट मेरा यहां है वर्ब चेंज हुआ और वॉकिंग स्लोली। इसी प्रकार अगला एग्जांपल लेते हैं वी आर वॉकिंग स्लोली, आप सेम देखते रहेगा वी के बाद फिर यू का मिले रहे यू आर वॉकिंग स्लोली। देखिए मैंने सब्जेक्ट चेंज कर रहा वर्ब चेंज हो रहा वॉकिंग नॉन फाइनाइट वर्ब सब में सेम यानी कि रहता है यानी कि सेम रख सकते हैं यहां पे। उसके बाद फिर ही इज वॉकिंग स्लोली दे आर वॉकिंग स्लोली। इस सब में जितने सब्जेक्ट हैं यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग जो सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे वर्ब लगा रहे हैं ये सब वर्ब यानी क्या हो रहे हैं सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब चेंज हो रहे हैं ये फाइनाइट वर्ब हो जाएंगे और क्या है नॉन फाइनाइट वर्ब ये यानी कि सेम एडिज रह रहे हैं यानी नॉन फाइनाइट वर्ब यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब के अनुसार उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं सेम रहेगा जी नॉन फाइनाइट वर्ब ये रहेंगे। यानी कि मैंने लिखा है फाइनाइट वर्ब चेंज अकॉर्डिंग टू द पर्सन एंड नंबर्स यानी पर्सन नंबर्स के अनुसार जो होते हैं सब्जेक्ट के अनुसार ये फाइनाइट वर्ब चेंज करते रहते हैं। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ड क्या डू नॉट हैव ए सब्जेक्ट के अनुसार उसके अनुसार चेंज करने की आवश्यकता नहीं तो वो चेंज नहीं भी होते हैं। एग्जाम्पल दे दिए आप उसको आसानी से कॉपी में इसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट आउट लेके इसको बाकी आप नोट कर रखते हैं। एक वर्ड यानी कि एक वर्ब आता है लिंकिंग वर्ड जो कि कुछ बच्चों ने पूछा था कि लिंकिंग वर्ब क्या होता है बहुत सारे बुक में दिए रहेंगे ऐसे ग्रामर के जो है वर्डबुक सब में लिंकिंग वर्ब के बारे में पूछा रहता है क्वेश्चन कि लिंकिंग वर्ब क्या होते हैं। मैं आज उसे भी अलग से डिस्कस करके बता दे रहा हूँ लिंकिंग वर्ब क्या होते हैं। लिंक मिस जोड़ना होता है लिंक और पूछे लिंक मिस जोड़ना होता है यानी कि जोड़ने वर्ब यानी कि काम करता है लिंकिंग वर्ब एडिट है समझ सकते हैं कि लिंकिंग वर्ब किसी चीज को जोड़ने का काम करेगा। The verb between two nouns, ये दो nouns को between two nouns और a subject and complement, ये किसी यानी कि दो nouns को और ये subject और complement को जो जोड़े और indicate करे same person और same thing के लिए तो क्या होता है मेरा linking verb होता है। मैं definition लिख कर फिर से repeat करता हूँ the verb between two nouns और subject and complement and indicate same person or same thing को बताया हो वो क्या मतलब इज कॉल्ड लिंकिंग वर्ब, वो लिंकिंग वर्ब मेरा कहलाता है। जैसे कि राम इज ए स्टूडेंट, यहाँ पर देखो राम और स्टूडेंट ये मेरा क्या दोनों नाउन है इसको जोड़ने का काम इज कर रहा है ये मेरा लिंकिंग वर्ब हो जाएगा। आई एम हैप्पी, हैप्पी मेरा कॉम्प्लीमेंट के आएगा ये मेरा सब्जेक्ट है इस दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है एम क्या हो जाएगा लिंकिंग वर्ब हो जाएगा। ही इज बैड ये मेरा इज क्या हो जाएगा यहाँ लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब हमेशा जो है किसी सेंटेंस यानी कि नाउन दो नाउन्स को और प्रोनाउंस या सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट के साथ जोड़े वो क्या होता है मेरा लिंकिंग वर्ब होता है। अगर वर्ब से रिलेटेड और कोई वर्ब आपको जानकारी के लिए चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आप उनसे उसके बारे में पूछ सकते हैं। ये वर्ब का थर्ड पार्ट था और ये लास्ट वर्ब का पार्ट था तो जो मैंने पूरी वर्ब को कम्प्लीट कर दिया है। आप वीडियो को देख के फिर से रिकॉल करके सारे वर्ब को समझ सकते हैं। अगर किसी वर्ब में दिक्कत आए हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे आप इसे इसे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए सब्सक्रिप्शन कराइए और ये रेट फाइट में आप लोग का यानी कि अच्छे से यानी कि कंप्लीट कराते हुए वर्ब मैंने ये कंप्लीट कर दिया है। ओके थैंक्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर सब नेक्स्ट टॉपिक के साथ लेंगे।